एक वर्ष से अधिक समय से घर से कहीं चले जाने के बाद परिजनों ने नियामत को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए। कई माह अनेकों शहरों गांवों राज्यों में तलाशने के बावजूद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों के हौसले टूट गए और नियामत की आस पूरी तरह छोड़कर यह मान लिया कि शायद वह किसी हादसे का शिकार हो गया होगा, जिसके चलते उसका शोक तक मना लिया गया। फिर एक वर्ष के बाद उनको अचानक हजारों मील दूर से एक खत मिला जिसमें लिखा था कि नियामत उनके पास है, उसको आकर ले जाओ। खत पढ़ते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 2000 किलोमीटर का सफर तय करके उसका भाई मास्टर मोहम्मद निहार अली पठानकोट के गांव कोठी पंडिता स्थित पूर्व सरपंच जनक राज के घर पहुंचा। भाई मास्टर मोहम्मद निहार अली ने बताया कि वह नेपाल सीमा पर बिहार के गांव के रहने वाले हैं और उसका भाई नियामत अली जो एक वर्ष से अधिक समय पहले अचानक घर से कहीं बिना कुछ बताए चला गया था, जिसकी बहुत तलाश करने के बावजूद कोई पता नहीं चला। आखिर सबने मान लिया कि अब इसका मिलना नामुमकिन है, इसलिए गांव में उसके लिए शोक भी मनाया गया। मगर अब अचानक एक खत ने हमें सारी खुशियां लौटा दी हैं। जनसेतु के लिए पठानकोट से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मैं जनकराज एक सरपंच कोठी पंडिता दी। कुछ दिन पहला मैं बाजार जा रहा सी, रस्ते के किनारे एक मैं आदमी मिलया जो कि बीमार सी, उसने बहुत तेज बुखार चढ़िया होया सी। मैं उसने डॉक्टर को जाके उसका ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने तो बाद मैं पता लगा कि ये आदमी ना सुन सकता है ना बोल सकता है, तो ना इसको कोई इसको फोन नंबर से इसको तलाशी लाने ये को आधार कार्ड मिलया। उस आधार कार्ड के बेस से मैं लैटर लिख के ये घर लैटर भेजी जो कि 10 दिन बाद उन्होंने घर पुजी, अपना फोन नंबर लिख के भेजा तो उन्होंने मैंने फोन नंबर कंटैक्ट किया। अज वह भरा उस लैन आ रहा आया तो लैके जा रहा। मेरा नाम मास्टर एमडी निहाल अली है, मैं बिहार के रहने वाले हूँ, नेपाल बॉर्डर से। मेरा भाई एक नियामत था जो गूंगा बहरा था, कुछ दिन पहले वो खो गया था, तो हम लोग तिलना छोड़ दिए कि शायद वो जिंदा नहीं है। कुछ दिन के बाद पठानकोट से मुझे एक लेटर भेजा गया, वहाँ से बोला कि नहीं आपका भाई जिंदा है, मेरे पास है, आकर के ले सकते हैं। हम कुछ दिन के बाद नेपाल बॉर्डर से 2000 किलोमीटर चल करके एरोप्लेन द्वारा आए, आके देखते हैं मेरा भाई कुछ मंगल है सही है। और हम लोग आए तो हम लोग का स्वागत बहुत अच्छे से किया गया, रहने सहने का इंतजाम खाने पीने का सब कुछ अच्छा किया गया और उसका पूरा जिंदगी भर हम लोग का जितना परिवार है सब बस्ती वाले मिलकर पूरा जिंदगी आभारी रहेंगे।